ऑल न्यू टोयोटा वेलॉस, ऑल न्यू वेलॉस टोयोटा की तरफ से एक मल्टी पर्पस यूटिलिटी क्रॉसओवर व्हीकल है। शानदार ऑफरिंग के साथ आता है, शानदार फीचर्स ऑफर किए गए हैं। यह अपने स्पेशियस कैबिन के लिए जानी जाती है, अपनी शानदार बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है, और जो अपने लुक से ऑफर करती है बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं किस तरीके के शानदार ऑफरिंग के साथ आपको दी जाती है टोयोटा की वेलॉस। बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट गाड़ी है। इस गाड़ी अगर आप ओवरऑल लेंथ को देखते हैं तो इसकी ओवरऑल लेंथ है 4.4 मीटर्स की। जिस तरीके से इंडिया में आपको मारुति सुजुकी अर्टिगा ऑफर की जाती है, 4.3 मीटर से ज़्यादा लंबी गाड़ी है, यानी कि ये जो गाड़ी है डायरेक्टली कम्पीट कर सकती है आपकी मारुति सुजुकी एक्सल 6 के साथ। साथ ही जो टोयोटा की इनोवा है जो कि 4.7 मीटर लंबी है, उससे नीचे सेगमेंट की गाड़ी है। यानी कि अगर आप टोयोटा की पूरी ग्लोबल लाइनअप को देखते हैं तो उनके पास इनोवा के नीचे सीधे ये गाड़ी आती है जो कि अल्टीमेट गाड़ी है। डिज़ाइन देखेंगे, सेफ्टी देखेंगे तो एशियन एनकैप में इसको 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो कि इसको बहुत बढ़िया बनाती है। उसी के साथ जिस तरीके से अर्टिगा और एक्सल 6 में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, वही चीज़ आपको यहाँ भी दी जाती है। आपको यहाँ भी मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन दिए गए। कैबिन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। उसी के साथ इसमें सेफ्टी के सेंस में आपको अडास के फंक्शन भी मिलते हैं, यानी कि ये गाड़ी में लेवल 2 अडास मिल रहा है, जिस तरीके से आपको XUV700 में मिलता है। सबको समझते हैं किस तरीके की गाड़ी है, बहुत बढ़िया रिव्यू होने वाला है आज का। सबसे पहले देखिए इस गाड़ी की लंबाई। तो इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ है 4475 मिलीमीटर, जो कि इसको थोड़ा सा ज़्यादा लंबा बनाती है एक्सल 6 के मुकाबले, और बहुत ज़्यादा लंबा बना रही है आर्टिगा के मुकाबले। और उसी के साथ गाड़ी के पीछे आप टेल लैंप्स को देखेंगे तो रैप अराउंड टेल लैम्प दिए गए, पीछे का लुक बहुत प्यारा लगेगा आपको। और साथ ही जिस तरीके से टोयोटा अपनी वेलॉस को मल्टी यूटिलिटी क्रॉसओवर व्हीकल कह रहा है, तो यहाँ पर उन्होंने ऑफर करा है 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस, 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इसमें, जो कि इंडिया में आपको एक प्रॉपर एसयूवी में देखने को मिल पाता है, जो कि बहुत बढ़िया मैं कहूँगा। इंडिया के हिसाब से तो ये बहुत ही सही है, अगर ये गाड़ी इंडिया में लाई जाए तो बहुत बढ़िया कर सकती है। उसी के साथ जिस तरीके की लंबाई है गाड़ी की 4475 मिलीमीटर, गाड़ी को एक 7 सीटर की तरह से बहुत बढ़िया स्पेस दे रही है। उसी के साथ गाड़ी की चौड़ाई पीछे से देखिए 1750 मिलीमीटर की चौड़ाई है, बहुत अच्छी है, आर्टिका से ज़्यादा है। उसी के साथ गाड़ी की ऊंचाई है 1700 मिलीमीटर की, जो कि अच्छी मानी जाएगी। उसी के साथ अलॉय की बात की जाए तो अलॉय और जो फ्रंट का लुक है ना, अब आपको याद आने वाली है MG की हेक्टर। हल्का सा लुक आपको MG हेक्टर की तरह देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ही एंगुलर डिज़ाइन रखा गया है, बहुत शानदार काम किया गया है। जो क्रोम का सिलेक्शन है वो भी बहुत बढ़िया रखा गया है। साथ ही देखिए गाड़ी के फ्रंट की प्रोफाइल को पूरा, तो ये है गाड़ी की फ्रंट की प्रोफाइल, बहुत ही अच्छी लगती है। उसके साथ यहाँ पर देखेंगे सेंटर में तो टोयोटा का बढ़िया सा लोगो देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ पियानो एलिमेंट्स है। साथ ही ये कुछ इसकी बहुत ही बड़ी सी एंगुलर ग्रिल दी गई है, जिससे गाड़ी का जो बोल्ड अपील है वो मिल पाता है। 360 डिग्री कैमरा ये ऑफर किया गया है। क्रोम की पूरी लाइनअप देखेंगे, बॉनेट बहुत बड़ा है गाड़ी का, और यहाँ पर आपको फुल LED सेटअप में हेडलैम्प्स दिए गए, कुछ क्रोम यहाँ पर है। नीचे देखेंगे तो आपको कुछ फॉग लैम्प दिए गए हैलोजन के साथ, और यहाँ पर सारा जो क्रोम वर्क है बिल्कुल हेक्टर की याद भी दिला रहा है, और जो एंगुलर अपील है ना गाड़ी के लुक्स को बहुत शानदार बना रही है। फ्रंट से अगर आप इसका अप्रोच एंगल देखते हैं तो यहाँ पर एक फ्लैप आपको दिया गया है, लेकिन इसका 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही बढ़िया सही इसको कंटेंडर बनाता है अपने सेगमेंट के हिसाब से। और अलॉय भी देखेंगे तो हेक्टर की याद आएगी, जहाँ इसकी ओवरऑल लेंथ है 4475 मिलीमीटर्स की। उसके साथ आपको यहाँ पर जो अलॉय दिए गए बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। टोटल आपको 5 लगनर्स दिए गए, आपको आगे भी डिस्क ब्रेक मिलेंगे, पीछे भी डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जिससे ब्रेकिंग बाइट बहुत बढ़िया होती है। साथ ही टायर साइज देखेंगे तो 205/50 सेक्शन रेडियल 17 का है, और यहाँ पर टोयोटा का लोगो, डुअल कोट डिज़ाइन देख रहा हूँ यहाँ पर, कुछ डायमंड कट भी है, उसके साथ ग्लॉसी भी दिया गया है। सस्पेंशन डिपार्टमेंट यहाँ है, और उसी के साथ देखिए ना कोई भी क्लैडिंग आपको ब्लैक नहीं फील होगी, पूरा बॉडी कलर्ड यूज़ किया गया है। थोड़ा सा जो यहाँ पर टेक्सचर है ये फेंडर में ही बनाया गया है, कोई एडिशनल क्लैडिंग नहीं की गई है, और बहुत अच्छा डिज़ाइन लगेगा। साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा क्लैडिंग का पार्ट है, कुछ जो इसका अच्छा वाला एलिमेंट है वो यहाँ पर ऐड किया गया एडिशनल, साइड में जो बिडिंग है। साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो ये क्लैडिंग का पार्ट है, जो कि बॉडी कलर्ड होके सामने आया है, और ऐसा दिखाई पड़ता है। पीछे से देखा आपने गाड़ी को कुछ फिर से ऐसी, और बहुत बढ़िया डिज़ाइन है। इस गाड़ी में आपको ऊपर एक थोड़ा सा स्पॉइलर दिया गया है, शाकमी एंटीना है, कोई भी देख रहा हूँ सनरूफ नहीं है। अब दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर की स्पेसिंग, और साथ ही अडास के फंक्शन है वो भी समझाऊंगा अभी। और ये खुलता है इसका कुछ बूट, बूट लगभग सिमिलर लगेगा आपको जिस तरीके से आर्टिगा और एक्सल 6 में लगता है। ये थोड़ी सी उससे ज़्यादा चौड़ी गाड़ी है, तो जो बूट स्पेस है वो अच्छा मिल सकता है आपको, 200 प्लस लीटर के आसपास का बूट स्पेस होगा। और इतना कुछ पूरा अपर्चर बनते हुए, पीछे की दोनों सीट 50-50 फोल्डेबल है, ये आपको 60-40 ऑप्शन है,
और वो आगे जो आप पूरा डैशबोर्ड देख रहे हैं ना, बहुत बढ़िया लगेगा। रूफ माउंटेड सारे एसी वेंट रखे गए हैं और बढ़िया तरीके से सब कुछ काम किया है। ये टोयोटा की गाड़ी है, मतलब मानना पड़ेगा। और साथ ही की फॉब देखिए, तो इसमें आपको लॉक अनलॉक के फंक्शन भी बड़े अलग से। ये अनलॉक का फंक्शन है, लेकिन इसको दबाएंगे तो ये लॉक का फंक्शन है। सिंपल डिज़ाइन है, बहुत ही ऑथेंटिक डिज़ाइन लगेगा, बढ़िया लगेगा आपको। साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो रैप अराउंड पूरा टेल लैंप है, 43 लीटर्स का फ्यूल टैंक है यहाँ पे, और कोई भी ना क्रोम डोर हैंडल नहीं है। बेसिक से कट्स एंड क्रीजेज रखे गए हैं जो कि ओआवीएम तक जाएंगे। और यहाँ पर भी देखिए 360 डिग्री कैमरा, साथ ही कुछ पडल लैंप दिया गया है, और ओआरवीएम भी काफ़ी मॉडर्न, काफ़ी स्लीक रखा गया है। कुछ यहाँ पर देखेंगे रूफ रेल, एक जो क्रॉस ओवर अपील है वो इसमें बना के रहता है। बाकी 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अल्टीमेट है, मुझे तो यही सबसे बढ़िया लगा इसका। और पीछे देखेंगे ना, स्पेयर व्हील भी इसका नीचे प्लेस किया गया है, और पीछे का टायर भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब साइज़ ना बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रहा है गाड़ी के साथ। यहाँ पर देखेंगे तो इतना स्पेस दिया गया है, थोड़ा सा जैक के लिए स्पेस है, थोड़ा यहाँ पर है, और इतना स्पेस यहाँ बनता है। मतलब सामान इसमें आ जाएगा, कुछ क्लैडिंग का पार्ट यहाँ है, ग्रैब हैंडल यहाँ रखे गए हैं, और स्पेसिंग अच्छी है। अब ये बंद होगा तो ये आवाज़ करेगा, लेकिन पैनल काफ़ी सॉलिड है, अच्छा लगेगा आपको। पीछे वॉशर, वाइपर, डिफॉगर, ये सब कुछ है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। और साइड में देखेंगे थोड़ा क्रोम यहाँ यूज़ किया गया है। एक जो हमने मिस आउट कर दिया है वो है इसका फ्रंट का, यहाँ पर देखिए लेन वॉच कैमरा, जो कि दो दिए गए हैं, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से रोड की मैपिंग करते हैं। अगर गाड़ी के सामने कोई आता है तो ये इमरजेंसी ब्रेकिंग कर सकती है, अलर्ट आपको देगी, जो लेन है उसको फॉलो करके चलेगी। अगर ये लेन को डिपार्ट करती है गाड़ी तो फिर आपको अलर्ट देने वाली है। मतलब जो सारे मॉडर्न फंक्शंस चाहिए वो सब कुछ है इसमें। और फ्रंट में भी देखेंगे तो ये कुछ हमने सारा, जो फ्रंट की स्किड प्लेट है जो कि गन मेटल फिनिश में है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सारी लाइनअप है टोयोटा की, जो कि आपको दिखानी, मुझे इसकी वीडियो मैंने बनाई है, इसकी अलग से वीडियो आएगी। और ये हमने कुछ देखा, अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके इंटीरियर्स में, और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ ऑफर किया गया इस गाड़ी के साथ। ये देखेंगे तो एक रनिंग पूरा लाइट बार दिया गया, जो कि टेल लैंप्स के लिए है। वेलॉस की बढ़िया सी ब्रांडिंग है। इस की को पॉकेट में होने के बाद भी आप इसको बेसिकली देखिए, लॉक हो गई और अनलॉक के फंक्शन ये रही। तो मतलब ओआवीएम तो फोल्डेबल बेसिक फंक्शन है, लेकिन मेन चीज़ है जो इसके इंटीरियर्स है, बहुत प्रीमियम लगेंगे। जो एक अप मार्केट फील हमें चाहिए ना, पूरा पूरा मिलती है गाड़ी में। आपको 6 एयरबैग का भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन बेस मॉडल में आपको 2 एयरबैग मिलते हैं। यहाँ पर ये टॉप एंड मॉडल है, तो साइड कर्टेन एयरबैग, ये सीट एयरबैग यहाँ पर भी दिए गए सीट कवर के साथ, जो कि बढ़िया तरीके से है। इसमें आपको 9 इंच की डिस्प्ले, 7 इंच की डिस्प्ले, सारे ऑप्शन है। और ये इसका ऑटोमेटिक वेरियंट है, जो कि सीवीटी के साथ मिलता है। और यहाँ पर आपको जो एक ग्रेफाइट ब्लैक उसके साथ बेज का कॉम्बिनेशन बना के दिया गया है। साथ ही ये कुछ इसके सारे जो डोर हैंडल है वो लगेंगे। थोड़ी सी प्लास्टिक क्वालिटी यहाँ पर मुझे फ्लिम्सी लग रही है, थोड़ा जो एक सुपर रिच प्रोफाइल है वो नहीं है, बट ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है। साथ ही यहाँ पर देखेंगे ऑल फोर डोर्स में पावर विंडो है, ये आपको ड्राइवर साइड वन टच डाउन के फंक्शन दिखा रहे हैं, ओआवीएम के फंक्शन है। और नीचे देखेंगे स्पेसिंग, स्पीकर का प्लेसमेंट यहाँ है, कुछ देखेंगे डैट पेडल्स तो ये रखे गए हैं, यहाँ पर ब्रेक और एक्सलेटर है। बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट क्वालिटी है उस तरीके से। और स्पेसिंग के मामले में बहुत बड़ा कैबिन है, हाइट भी बहुत अच्छी है इसमें, क्योंकि अर्टिगा से ज़्यादा बड़ी गाड़ी है, लेकिन बेची उसी सेगमेंट में जाती है, उसी एक के आगे पीछे की प्राइसिंग है, तो उससे कस्टमरों को बहुत बढ़िया बेनिफिट हो रहा है कि आपको एक टोयोटा की ब्रांड वैल्यू की गाड़ी मिल रही है, जो कि ये सब कुछ आपको दिखाती है। मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ। और ये देखेंगे सारे इसके सीट कवर्स को, यहाँ पर दिखाऊं तो आपको वेलवेट फिनिश के साथ कुछ फैब्रिक का यूज़ किया गया है, थोड़ा लेदरेड भी है बट फैब्रिक का मिक्स। यहाँ पर देखेंगे कुछ आपको जो फॉरवर्ड कोलिजन जो सिस्टम है उसके अवॉइडेंस के लिए, यहाँ पर आपको जो आगे आपको लेन वॉक कैमरा मिलता है उसकी मदद से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिससे गाड़ी खुद ब खुद ब्रेक ले पाएगी और आपको अलर्ट देगी गाड़ी के सामने कोई आ गया है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है, साथ ही यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के ऑप्शन है। कुछ स्पेस यहाँ है, और बैठ के देखते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और ऐसा कुछ पूरा डैशबोर्ड दिखाई देता है। आगे से देखेंगे तो पूरा का पूरा बॉनेट विजिबल है, IRVM आपको डे नाइट फंक्शन के साथ है। ये कुछ इसका पूरा स्टेयरिंग है, बहुत शानदार लगता है। थोड़ा सा रफ फिनिश में है इसका, लेकिन बढ़िया लग रहा है, ज़्यादा स्मूथ नहीं है जितना होना चाहिए था, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया ग्रिप है इसमें और पसंद करेंगे आप। थोड़ा सा ब्रश्ड आउट फिनिश यहाँ की गई है, टोयोटा का बढ़िया सा लोगो है, एयरबैग है यहाँ पर, और साथ ही ये सारी चीज़ें देखेंगे। क्रूज़ कंट्रोल में कहीं नहीं देख रहा हूँ इसमें, तो इसमें क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शन नहीं है, लेकिन बाकी अडास के फंक्शन सारे मिलते हैं। मतलब जो सारे यूटिलिटी के फंक्शन है सिर्फ वही नहीं है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन को देखते हैं, यहाँ पर रखा गया है, तो की को पहले यहाँ प्लेस करते हैं। और ये देखिए, ये 9 इंच की स्क्रीन है और ये खुलती है इसकी
7 इंच की स्क्रीन जो कि कुछ ऐसे वेलकम डिस्प्ले के साथ आपको मिलेगी, बहुत ही बढ़िया। मतलब जो सारे गियर्स हैं, इंजन के RPM हैं वो आपको दिखा रहा है, फॉन्ट बिल्कुल क्लियर है, रिफ्यूल करने के लिए कह रहा है हमें। और यहाँ पर देखेंगे तो इसका सारा 9 इंच की स्क्रीन का सेटअप है। अब इंडिया में ये गाड़ी का फ्यूचर क्या है कुछ नहीं कह सकते अभी, क्योंकि अभी टोयोटा अगर आना भी चाहे सेगमेंट में तो वो मारुति से कह के उनका एक रीबेज लाने की कोशिश करेगा, जिस तरीके से बलेनो के बाद हमें ग्लांजा देखने को मिली। लेकिन फिर भी अगर टोयोटा थोड़ा भी कुछ सोचे कि थोड़ी बड़ी गाड़ी हो, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया कुछ हो, तो वो इसमें ज़रूर आएगा, मानना पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। यहाँ पर देखेंगे सारा सेटअप तो बेसिक है, मतलब ज़्यादा कुछ शोबाजी नहीं है, लेकिन फिर भी 9 इंच की स्क्रीन बहुत बढ़िया, बड़ा सा डैशबोर्ड है, फुल LED सेटअप में लाइटिंग मिलती है, वो दिखाता हूँ आपको कुछ। यहाँ पर आपको फुली ऑटोमेटिक AC देखने को मिलेगा, जिसका लेआउट सिंपल रखा गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, इस साइड का एयरबैग बंद किया जा सकता है, तो एक यहाँ पर कमांड है, वेलॉस की ब्रांडिंग है। ये इसका CVT ट्रांसमिशन है जो कि आपको 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ मिलेगा। पावर इसके लगभग सिमिलर है अर्टिगा के मुकाबले, लेकिन टॉर्क थोड़ा ज़्यादा बना के देता है, लगभग 138 NM का है। पावर इसमें 104 HP के आसपास है, लगभग सिमिलर है दोनों इंजन, लेकिन एक सुजुकी का बना हुआ है, एक टोयोटा का बना हुआ है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, एक ऑटो होल्ड है, वायरलेस चार्जिंग में देख रहा हूँ, और की फॉब बहुत बढ़िया लग रही है। इस साइड देखेंगे आर्मरेस्ट दिया गया है जो कि इतने फंक्शन के साथ है, 12 वोल्ट का चार्जर है यहाँ पर बेसिक सा, और ये आर्मरेस्ट है जो कि स्लाइडेबल नहीं है, फिक्स टाइप मिलेगी। मैं अगर मैं आपको अपना हेडरूम शोल्डर रूम दिखाऊं तो इतना हेडरूम शोल्डर रूम है, गाड़ी में स्पेस बहुत है, अर्टिगा से बड़ी गाड़ी फील हो रही है। और थोड़ा सा अगर आप हाइराइडर को देखें तो उसके आसपास की लग रही है, लेकिन ये गाड़ी 7 सीटर है, तो ये इसके पास सबसे बड़ा एडवांटेज आ जाता है, जहाँ पर हाइराइडर सिर्फ 5 सीटर आती है। मैं आपको ले चलता हूँ जल्दी से इसके जो बाहर के लुक्स है वो दिखाते हैं, और ये है इसकी ऑल LED सेटअप, जिस तरीके से DRL सेटअप है वो देखेंगे, और बेसिक LED ऑफर की गई है, जिस तरीके से होंडा सिटी या फिर इन सेगमेंट में मिलती है, जो कि बढ़िया डील बनाती है। ये कुछ आपने देखा, अब हम चलेंगे इसकी जो यहाँ से हमने देख लिया, यहाँ हमने सारे फंक्शन देख लिए। एक AMEL लाइटिंग आप देखेंगे जो यहाँ से चल रही है पूरी, साथ ही ग्लव बॉक्स में कितना स्पेस है ये देख लीजिए, तो ये इसका पूरा ग्लव बॉक्स का स्पेस है। थोड़ा सा कप होल्डर इन्हें यहाँ पर प्लेस किया हुआ है, जो कि बहुत इनोवेटिव लगेगा। बाकी सनरूफ वाली डिपार्टमेंट अलग वीडियोस में दिखाता हूँ अभी, लेकिन ये टॉप एंड मॉडल है, इसमें नहीं है। यहाँ पर स्टेयरिंग में आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक के फंक्शन दोनों दिए गए, उससे भी गाड़ी ना एक तरीके से यूटिलिटी बहुत बढ़िया शो करती है। एक देख रहा हूँ यहाँ पर आपको लेन डिपार्च वार्निंग दे रही है, तो एक तरीके से काम के सारे फंक्शन दिए गए। इसको बंद करते हैं और सेकंड रो सीटिंग में चलते हैं, और ये सीट मैंने अभी पूरी पीछे की हुई है, तो आपको और बढ़िया आइडिया लगेगा। इस साइड देखेंगे पूरी क्लैडिंग है, जो इसमें सारा चैसी है वो बेसिक चैसी मिलेगी, जिस तरीके से अर्टिगा और एक तरीके से ग्रैंड विटारा ऑफर करती है, वो लेटर ऑन फ्रेम नहीं इनोवा की तरह। लेकिन यहाँ से देखेंगे तो डोर को ओपन करेंगे और ये है आपका पूरा सेकंड रो का स्पेस, बहुत सही तरीके से यहाँ पर भी स्पेस मैनेज हो रहा है, और बहुत बड़ा कैबिन लग रहा है, देख रहे हैं, अर्टिगा से बहुत बड़ा कैबिन लगेगा आपको। जो ये वाली सीटिंग है ये भी मुझे ज़्यादा अच्छे अंडर सपोर्ट के साथ लग रही है, लेकिन इसका अपना जो यहाँ पर बैकरेस्ट है ये थोड़ा कम हाइट का लग रहा है, बैठ के देखते हैं अभी। और यहाँ पर देखेंगे तो अच्छा सा यहाँ पर आर्मरेस्ट दिया गया है, कुछ मैट फिनिश है, ये प्लास्टिक उतना प्रीमियम स्मूथ नहीं है, बट ये चीज़ें बहुत बढ़िया लगेगी, ये अच्छी लगेगी। और इतना पूरा इसका जो विंडो की हाइट है वो देखेंगे, स्पेस सेकंड रो में बहुत बढ़िया सफिशिएंट ऑफर किया गया है। और यहाँ पर देखेंगे कुछ यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें दी गई है, इतना स्पेसिंग यहाँ पर है, और बैठ के देखते हैं इसका लेआउट कुछ ना कुछ किया कारेंस की तरह बनाने की कोशिश की गई है, और बहुत अच्छी ये गाड़ी किया कारेंस से पहले आ चुकी है, डिज़ाइन इंस्पिरेशन है ये टोयोटा के अपने हैं, बट फिर भी अच्छा काम किया गया। पीछे देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ AC वेंट ऑफर कर रहे हैं, जिसके अंदर भी कुछ दिख रहा है, बट अच्छे तरीके से प्लेस किए गए, फ्लैप का यूज़ किया गया पूरा पूरा, और ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें मतलब इसमें। और यहाँ पर देखेंगे कुछ और फ्लैप्स है, उसी के साथ यहाँ पर कुछ है, ये ब्लोअर कंट्रोल है इसका, लाइट के कंट्रोल है सारे, और यहाँ से नीचे चार्जिंग सॉकेट है फास्ट चार्जर का। और यहाँ पर डोर को बंद करते हैं तो डोर थर्ड है गाड़ी के अंदर, जिस तरीके से सेफ्टी है, एशियन NCAP में 5-star रेटिंग लाना बहुत बड़ी बात है एक तरीके से। मतलब गाड़ियाँ मास मार्केट सेगमेंट की गाड़ियाँ, ऐसा नहीं है कि कॉस्ट कटिंग नहीं की गई होगी, कॉस्ट कटिंग की गई है, फिर भी सेफ्टी बनी हुई है, तो वो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर देखेंगे तो AMEL लाइटिंग दिख रही है, और गाड़ी की सीटें मैंने लगभग पूरी पीछे की हुई है, जो कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं, तो इतने बाद भी यहाँ पर इतना स्पेस बच रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है, ये भी अच्छी बात है। और इसीलिए गाड़ी मुझे यहाँ कमर्शियली भी बहुत दिख रही है, जो गाड़ी एक बार कमर्शियली आती है तो उसको थोड़ा सा ना माना जाता है कि वो प्रैक्टिकल है। और पीछे जाने के लिए आपको सीटों को क्या करना होगा, तो इन सीटों को भी कर सकते हैं आप, और ऑप्शंस दिखाते हैं आपको। और इसके नीचे आपको पूरा जो स्लाइड का ऑप्शन है वो मिलेगा, लगभग 45 डिग्री में टंबल होने के बाद ये जो स्पेस बच रहा है ये आपके पीछे थर्ड रो में जाने के लिए है। बैठ के देखते हैं कितना काम का स्पेस है यहाँ पर। और यहाँ पर हम आ गए थर्ड रो में स्पेस उतना ही है,
जितना आपको आर्टिगा एक्सल 6 में मिलता है, ज़्यादा कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, लगभग ठीक है, एक तरीके से कम ही नहीं है। इन सीट को अगर आप आगे कर देंगे तो ये यहाँ पर आके लॉक हो जाएगी। चाइल्ड सीट का भी ऑप्शन दिया गया इसमें, और इसी में आप यहाँ पीछे करेंगे, और पीछे करने के लिए आगे वाले को खुद करना होगा, जिससे मेरा जो है लेग रूम है ये थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब पीछे बच्चों के लिए स्पेस सही है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बैठ सकता है बंदा। ये गाड़ी को टोयोटा ने डायहत्सू के साथ मिलकर बनाया था, जिस तरीके से क्वालिटी है वो पता चल रही है, और अच्छी क्वालिटी लगेगी। और यहीं से धमाके के साथ सीट आगे को जाती है और आपको बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। बाकी एक नज़र आपको इसके इंजन बे पे ले जाते हैं, वहाँ पर देख लेंगे किस तरीके का इंजन आपको ऑफर किया गया। इंजन बहुत सिंपल है, जिस तरीके से आई थिंक आपको टोयोटा यारिस में मिलता था, उसी से कुछ डिराइव किया हुआ इंजन है। जब आप इसको खोलेंगे भी तो बेसिकली ये जो क्रोम पार्ट है ये इसके साथ रहेगा। ये इनका 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है, नॉन टर्बो इंजन है। नीचे से ओपनिंग आप देखेंगे, कैटालिटिक कन्वर्टर है। बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे तो सिंपल फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, जो कि लगभग आपको 17 KMPL के आसपास की फ्यूल इकोनॉमी, कुछ हुड इंसुलेटर यहाँ पर है। मतलब जो रिलायबिलिटी फ्रंट है और जो लो रनिंग कॉस्ट है वो इस गाड़ी की सबसे बड़ी USP है। इस तरीके से फ्रंट में देखेंगे तो आपको यहाँ पर लेन वॉच कैमरा देखने को मिलता है, वही कुछ फंक्शन आपको दिखाता है यहाँ पर दिखे हैं, जो कि आपको प्री कॉलिजन सिस्टम देखने को मिलेगा, उसके साथ लेन डिपार्ट अलर्ट देखने को मिलेगा, फ्रंट डिपार्ट अलर्ट देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिक हाई बीम देखने को मिलेगी, साथ ही पैडल मिस ऑपरेशन कंट्रोल। मतलब बेसिकली जो काम के सारे फंक्शन वो दिया गया है। कहीं पर भी मैंने इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वो चीज़ नहीं देखी, जो कि थोड़ा सा कन्वीनियंस को भी बढ़ाता है। बाकी गाड़ी ये कुछ आपने देखी, क्या कुछ ऑफर कर रही है आप कमेंट करके बताइए कि सारे फंक्शन आपको चाहिए, या फिर किस तरीके से एक पैकेज के तौर पर टोयोटा इस गाड़ी को ला सकती है। काम के इसमें सब कुछ फंक्शन है, स्पेस जो हम इंडियंस को चाहिए बहुत बढ़िया है, सेफ्टी हम चाहते हैं पूरी मिल रही है, 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस वो भी ऑफर किया गया है। प्राइसिंग आर्टिगा के आसपास है, आर्टिगा से 1 लाख रुपये ज़्यादा भी हो सकती है, बट मेन चीज़ है कि स्पेस, सेफ्टी, पावर भी ठीक है, माइलेज भी ठीक है, 17 के आसपास, आर्टिगा से थोड़ा कम है, बट ऑल एंड ऑल पैकेज देखा जाए तो टोयोटा की ब्रांड वैल्यू के साथ बहुत सही बैठ रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई, मैंने बहुत बढ़िया कवरेज आपके लाने की कोशिश करी। वेलॉज है हमारे साथ, पसंद आई होगी आपको, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आएगी। बाकी अगले वीडियो में मैं इसके टॉप एंड मॉडल, इसके बेस मॉडल सब कुछ आपके लेके आऊँगा, आप चैनल के साथ बने रहिएगा। दिखाऊंगा आपको टोयोटा क्या क्या शानदार गाड़ियाँ बनाता है। इस तरफ से भी देख लेंगे तो यहाँ पर कुछ इतना स्पेस है, सेकंड रो स्पेस इसका बहुत बढ़िया मैनेज किया गया है, और यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा कुछ स्पेसिंग है। जो एमएल लाइटिंग है बहुत बढ़िया लगेगी, और जो अंदर का पूरा डैशबोर्ड का लेआउट है वो भी बहुत अच्छा बनाया गया है। तो ये कुछ थी आपकी ऑल न्यू टोयोटा वेलॉस, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर ऐसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।